Hello students, here is your math teacher Sanjeev Shikri. Today I am going to take a question from for standard 9 from chapter triangles. So let's read the question before solving it. In this figure, we are given the figure AB is equal to AD. This AB is equal to AD and AC is equal to AE. We are given two sides equal. And also we are given this angle BAD. ये आपको angle दिख रहा है, angle BAD is equal to angle CAE. These two angles are given to be equal. And we need to prove that BC is equal to DE. तो हमने prove करना है BC किसके equal है? DE के. So let's prove it. सबसे पहले students देखिए, we need to prove that BC is equal to DE. और अगर हम ध्यान से देखें तो BC कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है? BC आ रहा है ट्राइंगल ABC में और DE DE आ रहा है ट्राइंगल ADE में. So these are the two triangles which we need to prove congruent. अब अगर इन्हीं ट्राइंगल को देखें ABC को, तो ABC में ये पूरा एंगल आता है BAC और DAE को देखें तो इसमें ये वाला पूरा एंगल आता है DAE. अब अगेन BA tentative, अगर इन दोनों एंगल्स को देखें, अपने को इन दोनों एंगल्स का ये वाला पार्ट तो इक्वल गिवन है, लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा आ रहा है, दोनों में ये एक्स्ट्रा आ रहा है. आई होप एंगल्स आर क्लियर टू यू. तो मैं ये मानता हूं ये एंगल 1 और ये एंगल 2 और ये एंगल 3, बट वी आर गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 व्हिच इज गिवन. दोनों साइड पे हम 3 कॉमन जो एंगल है वो ऐड करते हैं. सो लेट्स ऐड एंगल 3 टू बोथ साइड्स. एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. नाउ इफ 1 एंड 3 आर एडेड इट गिव्स यू एंगल BAC. एंगल BAC 2 प्लस 3 ऑन एडिंग दे गिव एंगल DAE. सो वी हैव एंगल DAE. तो चलिए अब दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं जो हमें चाहिए. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई. ध्यान से देखिए, लेट मी ड्रॉ दिस ट्राइंगल सेपरेटली. ये है ट्राइंगल ए बी सी. स्टूडेंट्स मैं इनको सेपरेट ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. और दूसरी है ए डी ई. ए डी ई दीज आर द टू ट्राइंगल्स ए डी E. अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें, AB किसके इक्वल है? AD के. AC किसके इक्वल है? AE के. और एंगल BAC किसके इक्वल है? एंगल DAE के. तो दैट मींस दोनों ट्राइंगल क्लियर है आपको. यस दीज आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS. चलिए करते हैं. AB इज इक्वल टू AD गिवन. एंगल BAC is equal to angle DAE. We have just proved. So I am writing proved above. और तीसरा AC is equal to AE. Again given. That means triangle ABC congruent to triangle ADE by SAS. Triangles are congruent by SAS. And if the triangles are congruent, that means we can have BC is equal to DE by yes CPCT. So BE is equal to BC is equal to DE by CPCT. So this is what we need to prove students. हमने प्रूव करना था BC is equal to DE. तो लास्ट में हमारे पास ये आपको दिख रहा है BC is equal to DE. So students, I hope you are getting my questions. अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, प्लीज कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माय चैनल संजीव सिकरी PV05. थैंक यू.